गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ गुरु को ही ब्रह्मा माना गया है, गुरु को ही विष्णु माना गया है और गुरु ही परम ब्रह्म है। इसीलिए पहला नमन हमेशा गुरु को समर्पित होता है। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में गुरुओं का एक विशेष स्थान है, मगर ऐसा क्यों है? क्यों हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमेशा कहते हैं पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लो? इसका एक विशेष कारण है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर मान लीजिए कभी हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और हम रास्ता भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे? आजकल तो गूगल गुरु महान गुरु हैं, उनकी सहायता लेंगे या तो फिर हम किसी से पूछ लेंगे और उसके बताए अनुसार उस रास्ते पर चल देंगे। मगर गुरु वो होता है जो स्वयं आपके लिए एक लाइट बनकर आपका पथ प्रदर्शन करता है, आपके आगे आगे चलता है, आपके आने वाली सारी मुसीबतों को पहले खुद झेलता है। इसीलिए कहते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में एक गुरु होता है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक छोटी सी कविता। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में गुरु होता है। कहते हैं एक गुरु तो होना ही चाहिए, हमें आईना दिखा दे, स्वयं सुधरने के लिए प्रेरित कर दे। इसीलिए कहते हैं एक गुरु तो होना ही चाहिए। गुरु वो है जो स्वयं से स्वयं को मिला दे। इसीलिए कहते हैं एक गुरु तो होना ही चाहिए। गुरु वो है जो ज्ञान की ज्योति से मन आलोकित कर देता है। इसीलिए कहते हैं एक गुरु तो होना ही चाहिए। गुरु वो है जो विद्या का धन देकर जीवन को संपन्न कर देता है। इसीलिए कहते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में एक गुरु होता है। प्राचीन काल से ही ये माना जाता है, बल्कि आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में ये होता है। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारी इस छोटी सी कविता को ये दोहा बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण करता है। अगर हमारे समक्ष आज भगवान और हमारे गुरु दोनों ही आकर के खड़े हो जाएं, तो निश्चित रूप से पहले मैं अपने गुरु के ही चरण स्पर्श करूंगी, क्योंकि गुरु ने ही बताया है कि ईश्वर क्या है। अगर गुरु ना बताते तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ईश्वर कौन है और उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है। ऐसे गुरु को शत शत नमन। उम्मीद है हमारी ये छोटी सी कविता आपको पसंद आई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सबके जीवन में एक ऐसा गुरु आए जो आपके जीवन को रोशनी से भर दे, आपके जीवन को आलोकित कर दे, एक नई रोशनी दे, एक नया रास्ता दिखाए। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिएगा आप भी अपने गुरु के लिए दो लाइन लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।